प्यार एक ऐसा शब्द है जो अनजाने में होता है, लेकिन बहुत प्योर और क्योर होता है। बस शर्त बस इतनी कि हमारा जो साथी, हमारा जो हमसफर है, वो भी हमसे उतना ही प्यार करे। शुरुआत में तो दोनों तरफ बराबर आग लगती है, दोनों बराबर लॉयल्टी में रहते हैं, लेकिन रियलिटी चेक हमको आगे चल के मिलती है जब हमारी लाइफ में फ्लॉज आने शुरू होते हैं, जो हमारे लाइफ में जब हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है, बहस होता है, कभी कभार एक दूसरे के ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। मुझे लगता है शायद वहीं से हमको समझना चाहिए अपने पार्टनर को। प्यार बराबरी का होना चाहिए, उसमें कोई कोई ऊपर नहीं हो, कोई नीचे नहीं हो। प्यार एक एक एहसास होता है जो आपको आगे तक लेके चलता है, और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पंकज त्रिपाठी। वो इंसान मुंबई आया, उसकी वाइफ को साथ मिलाया, और जब कोई नहीं था तो उसकी वाइफ जगह जगह अपना रेज्यूमे डालती थी ताकि कोई स्कूल में मेरा एज ए टीचर मेरा एडमिशन हो जाए, और वही पंकज त्रिपाठी स्ट्रगल करता था। आज जब पंकज त्रिपाठी बन गया तो उसने अपने वाइफ को सपोर्ट किया। या शाहरुख खान गौरी, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, वर्ल्ड ग्लोबल में भी फेमस है उनकी कपल, या अनुष्का और विराट। मैं ऐसे बड़े बड़े नाम नहीं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने उस फ्लॉस को समझा है। जब हमारी गाड़ी जो है चलना तो शुरू हो जाती है, लेकिन जब बीच में थोड़ा सा भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता होता है तो हमारी गाड़ी पटरी से उतरना शुरू कर देती है। यार अपने अपने बेटर हाफ को भी समझो, उसकी लाइफ में भी कुछ चल रहा होगा। लॉयल्टी और रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप को चलाने के लिए। एक टाइम में आप गुस्सा कर सकते हो, वो जेन्युइन रीज़न हो तो आपका पार्टनर भी आपका साथ देता है, पर अगर अगर जाना रहता है किसी को तो वो तो वैसे भी चले जाते हैं। किसी को जाते हुए आप रोक ही नहीं सकते। अगर कोई निभाने वाला रहे ना तो हजार गलती के बावजूद भी वो आपके साथ खड़ा मिलेगा, चाहे वो कोई तूफान हो, चट्टान हो, या कोई भी बड़ी आपदा हो। बस अगर अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट और लॉयल्टी दे दी आपने अपनी लाइफ में, वो ओहदा दे दिया, तो वो हजार बार आपसे चाहे लाख झगड़ा हो जाए, लेकिन वो इंसान कभी आपकी लाइफ से नहीं जाएगा। लेकिन बात आ जाती कॉन्फ्लिक्ट की, जहाँ पे आप सिर्फ उसके ऐब, सिर्फ उससे लड़ना चाहते हैं, बात बात पे लड़ना चाहते हैं, बेवजह लड़ते हैं, और कभी कभार उसके प्रोफेशन में भी वो बात बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है। और कभी जब इस रिश्ते को एक नाम देने की बारी आती है तो हम एक कदम पीछे हो जाते हैं कि यार वो लड़का अच्छा नहीं है, या वो लड़की अच्छी नहीं है, घर वाल ठीक नहीं है, हमको ये सब नहीं जम पाएगा, हमारे घर में ये सब नहीं हो पाएगा। रिश्ता निभाना ना चाहिए। अगर आप कमिटमेंट करती हो तो उस कमिटमेंट में खड़ा होना होना चाहिए। बाकी दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। धन्यवाद।